देखिए गाइस, हमारी उड़द की दाल की मटरियां बनकर एकदम रेडी हैं। तो एक जो ठंडी है वो दिखाते हैं हम आपको तोड़ के। ये देखिए कितना अंदर तक कितनी क्रिस्पी है और कितनी खस्ता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी एक बार बना कर देखें आप, गारंटी है कि आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी ये रेसिपी है। ठीक है, तो गाइस एक बात और कि कल के दिन हमारी रेसिपी नहीं आ पाई थी क्योंकि करवा चौथ था, इसलिए बना नहीं पाए थे क्योंकि उसकी तैयारी कर रहे थे। तो अगर ये रेसिपी हमारी एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सायमसा में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं उसी दाल से जो हमने बना के रखा था, मसाले वाली दाल। दाल की मठरियां, इस तरह की मठरियां आपने बिल्कुल नहीं खाई होंगी, पूरे यूट्यूब पर होंगी भी नहीं। तो ये देखिए हमने अपने हिसाब से, ये देखिए हाफ कटोरी दाल ले ली है, ये देख सकते हैं वही दाल है। ठीक है, तो हाफ कटोरी दाल ले ली है, इसको हम डाल लेंगे। और देखिए क्या करना है हमको, ये देख सकते हैं हम गाइस गर्म पानी है। ठीक है, तो इतना गर्म है कि इसको हम हाथ से नहीं टच कर सकते, तो इस दाल को हम अपना पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं ताकि दाल हमारी जो इसमें जो दाने दाने थोड़े से हैं वो भी अच्छे से फूल जाएं, इस वजह से। तो इस तरह से करेंगे। देखिए दाल की मठरियां गाइस, ऐसी मठरियां आपने नहीं खाई होंगी। और वीडियो पूरी देखते रहिएगा, बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा इतनी टेस्टी मठरी है। तो ये देखिए हमने इस तरह का पेस्ट बना दिया है। देखिए ये आपको अभी गीला लग रहा होगा बट गीला नहीं है, ये अभी फूल कर एकदम से अच्छे से हो जाएगा। तो एक सार कर देते हैं और इसको हम ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में मैदा पूरी अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए गाइज इस तरह से ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। और एक बात गाइज, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, देखिएगा इसमें लास्ट में इंग्रेडिएंट हम ऐसा क्या ऐड करते हैं जो इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी इसकी मठरियां बनकर तैयार होती हैं। गाइज 15 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी है। और ये देखिए कितना सख्त हो गया है, देख रहे हैं आप इतना सख्त हो गया है। तो अब इसमें हम करेंगे हाथ का इस्तेमाल, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, और ये देखिए एक कटोरी मैदा हमारा पूरा, हाफ कटोरी दाल थी, एक कटोरी ने मैदा लिया है और बहुत दाब दाब के नहीं भरा है, ऐसे ही कटोरी से लिया और वो आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि दाल में नमक तो है बट मैदे में नहीं है, तो उसके हिसाब से हमको मैदे में नमक लेना होगा ना, इसीलिए तो नमक लेंगे। ये देखिए गाइस मैदे के हिसाब से हमने नमक लिया है, और मैं थोड़ा सा तीखा वाला नमक लिया जो हमने बना के रखा है, मसाला नमक, उसमें सारे मसाले हैं। हमको इसको डालने के बाद कोई और मसाला जरूरत नहीं पड़ती डालने की। ये अजवाइन एक चम्मच सुप्रेस करके डालेंगे। गाइस अगर आपके पास मसाले वाला नमक ना हो तो धनिया, और धनिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मिला के मसाला बना लें और वो करें। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि हमारे इस नमक में क्या क्या मसाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें लगाते हैं मोयन थोड़ा सा, ये देखिए स्पून से हम डालेंगे ऑयल। एक कटोरी था हमारा मैदा, तो उससे 4 स्पून हम डालेंगे मोयन। फिर अगर कम लगता है तो हम देख लेंगे। तो ये सारा आइटम हम एक में मिलाएंगे क्योंकि मोयन की वजह से ही हमारी ये कचौड़ियां, सॉरी मठरियां अच्छी खस्ता बनेंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह की गाइस आपने मठरियां नहीं खाई होंगी, बहुत टेस्टी मठरियां लगती हैं क्योंकि हमने अपने यहां बनाई हैं, उसके बाद में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए गाइस हमें कम लग रहा है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तो हम एक स्पून और डालेंगे। ठीक है, ये एक स्पून हमने डाल दिया, तो अब इसको हम बढ़िया से मिला के फिर गुनगुने पानी से ही हमको इसको गूंथना है। गाइस इनका जो दाल का फ्लेवर आता है, जो दाल वाली मसाले का फ्लेवर आता है ना, वो तो बिल्कुल बता नहीं सकते, सब पूछते रह जाएंगे आपसे अगर इस तरह से बनाया तो कि आखिर इसमें आपने डाला क्या है, सब यही पूछेंगे। तो ये देखिए गर्म पानी लिया है, तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे कि हमारा लूज ना लगे, टाइट रहे डो, क्योंकि मछलियों का डो टाइट रहता है। ठीक है, इस तरह से देखिए एक स्पून डाला हमने और ऊंचे से लगभग बनने लगा है सारा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इसकी मत करिएगा वीडियो, थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा हमने और डाल दिया है। इस तरह से करके गूंथेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह की स्पून, सिर्फ 1.5 स्पून हमारा पानी लगा है, ज्यादा नहीं लगा है। ठीक है, और अगर इसकी स्पून छोटी स्पून से देखें तो जो घर में नॉर्मली हम लोग खाते हैं खाना, जिसे राइस से खाते हैं, उस स्पून से अगर देखें
तो 5 से 6 स्पून पानी लगाया सिर्फ और हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए। तो अब इस डो को भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे जिससे कि ये आटा हमारा है सेट हो जाए। तो थोड़ा सा हम ले लेंगे ऑयल हाथ पर या इस पर हम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसको सारे में ऐसे लगाते हुए हमें अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया, लगा दिया, इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। ज्यादा नहीं रखना है अब, ठीक है, क्योंकि दाल हमारी फूलने वाली होती है इसलिए उसको रखना पड़ता है। अब इसको हम, ये देखिए गाइस 10 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसकी तैयार करेंगे मठरियां। ठीक है, दोबारा ऐसे ऐसे करके मसल लेते हैं। ये देखिए गाइस ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। और छोटी छोटी जितनी बड़ी मठरियां होती हैं उतनी बड़ी बॉल्स हम तोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे एकदम से, तो ये इस तरह से सारी बॉल्स तोड़ते हैं। ये देखिए गाइस ऐसे करते हुए हम इनको अच्छे से इस तरह से कर देंगे, बिल्कुल जैसे मठरियां होती हैं उस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से बना बना के सारी रखते रहेंगे। देखिए एक बार और बता देते हैं, ली नींबू साइज बॉल ली और इसको ऐसे किया, इस तरह से करते हुए इस तरह से दबा देना है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम करते जाते हैं सारे। ये देखिए गाइस बन चुकी है हमारी सारी, बट अभी इसमें एक काम बाकी है, वो ये कि इस तरह से एक फॉग ले लें तो उसमें हम ऐसे थोड़े थोड़े छेद कर देंगे। क्यों, इसके दो रीजन है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी मठरियां अंदर तक पकेंगी छेद की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें हमारी ये जो मठरियां हैं वो फूलेंगी नहीं। ठीक है, तो इनके छेद ये करने बहुत जरूरी है, दोनों तरफ दोनों साइड में हमें प्रिक करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, बस इस तरह से कर देना है जिसकी वजह से ये हमारी फूलेंगी नहीं और अच्छे से पकेंगी अंदर तक। तो ये सारे में करना है दोनों तरफ, इधर भी और इस साइड में भी कर लेते हैं। ये देखिए गाइस सारी हो चुकी हैं। तो अपना ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस ऑयल हमने रख दिया है, तो थोड़ा सा डो तोड़ कर डालेंगे इसमें। ये देखिए डालते ही ऊपर नहीं आ रहा, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, यानी हमारा डो बहुत ऑयल बहुत अच्छे से हो गया। तंपनी मठरियां इसमें डालेंगे तो लगभग उतनी ही डालनी है जितनी हमारी अच्छे से सिक जाए और अंदर आ जाए। ठीक है, और फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकनी है। ठीक है, ताकि ये क्रिस्पी और खस्ता बनकर आए, देख सकते हैं ये। तो इतनी मठरियां हम एक बार में सेकेंगे। ये देखिएगा इस बीच में हल्की छोटी स्पून से हमको ऐसे कर देना है जिससे कि नीचे जले ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भारी होती है तो तले में बैठ जाती है ना, इस वजह से। और आप देखिए 2 मिनट हो चुका है, तो अब इनको हम पलट देंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि ये दूसरी तरफ भी सिकने लगे। तो बहुत हल्के हाथों से ये सब करना है। ये देख सकते हैं गाइस उलटते पलटते लगभग 15 मिनट हो चुका है, और 15 मिनट में इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है और अंदर तक क्रिस्पी हो गई हैं। तो ये देखिए हम सेक निकाल लेते हैं इनको और आपको अभी दिखाते हैं निकालकर। और गाइस ये सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि इस समय त्योहार का टाइम है, तो एक बार बना के ये रख लीजिए और 1 महीने तक कम से कम नहीं ये खराब होने वाली। ये देख सकते हैं आप गाइस कितनी सुंदर, कितना कलर अच्छा आया हुआ है। और इसी तरह से गाइस हम दूसरी सेकंड बैच भी सेक लेंगे। ठीक है, और देख लीजिए आप, आपके सामने ही है कि बिल्कुल भी इतनी अच्छी है ये, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं इन्होंने सोक किया हुआ है। तो चलिए इनको निकाल कर रखते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए पास से भी दिखा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत अच्छी बहुत यम्मी। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है, क्योंकि इसकी महक से ना पूरा किचन हमारा महक गया है, बहुत ज्यादा खुशबू अच्छी आ रही है। तो गाइस सेकंड बैच भी ऐसे सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। और एक बैच को सेकने में लगभग 15 मिनट लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटी होती है और धीमी आंच पर ही इन्हें सेकना चाहिए, नहीं तो अगर आप तेज आंच पर सेकेंगे तो ऊपर ऊपर से तो सिकी लगेंगी, सिक जाएंगी, मगर अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी, कच्ची रह जाएंगी, इसलिए धीमी आंच पर ही सेकना है। तो मिलते हैं इसके बाद।
देखिए गाइस, हमारे उड़द दाल की मटरियां इतनी यम्मी हैं, इतनी टेस्टी हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी खस्ता और कितनी क्रिस्पी और अंदर तक पूरी सिकी हुई। ये भी बहुत गर्म है, ठंडी होने पर और क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए गाइस, ठंडी भी हम तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए, और आपको मैश करके दिखाते हैं। सारा का सारा इतनी क्रिस्पी है कि एकदम इस तरह से देखिए मैश हो जा रही है मूंग दालियां। और गाइस, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये एक महीने तक आप इनको रख कर आराम से खा सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।